गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका राइटर मॉड्यूल 1 का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस टेस्ट का नियम क्या है। यह टेस्ट आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसमें आपको एक एक करके दिए जा रहे ऑप्शन को उपयोग करके दिखाना है। इस टेस्ट का समय 45 मिनट यानी कि 45 मिनट है। कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो वह टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। आप सबको जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको उस प्रश्न के बाद करके दिखाया जाएगा कि आपने उसे सही किया है अथवा नहीं, जिसे देखकर आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। अगर आप में से किसी का आंसर गलत हो जाता है, तो आप उस आंसर को देखकर उस ऑप्शन के बारे में सीख सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को बताए गए तरीके से ओपन करें। आइए अब टेस्ट शुरू करते हैं। दिए गए लाइन को टाइप करें और उसके बाद अब आप इस लाइन को 10 बार कॉपी पेस्ट करें और अपने टीचर को दिखाएं। लेकिन यह सभी लाइन एक न्यू लाइन से आनी चाहिए। आइए अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि एक लाइन से ज्यादा कैसे लाइन को लाते हैं। इसके लिए आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करेंगे। जैसे आपने अभी पहला लाइन टाइप किया, अब इस लाइन से आपको एक से ज्यादा लाइन बनाना है, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करेंगे, जो कि शॉर्टकट कमांड होती है। आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और राइट हैंड के एक फिंगर से सी के बटन को दबाएं एक ही समय पर, जिससे कि आपका यह लाइन कॉपी हो जाएगा। फिर अब आप पेस्ट करें। पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, आपका सेलेक्ट किया हुआ लाइन से जो ब्लू कलर का बना होता है वो हट जाएगा और फिर आप एंटर बटन का उपयोग करें और नीचे पेस्ट करें, जो कि कंट्रोल प्लस वी दबाना होता है। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और वी को दबाते रहें। आपको इसे 10 बार प्रेस करना है। सिर्फ आप एक बार कॉपी का उपयोग करें और फिर उसे पेस्ट करते चले जाएं, जिससे कि आपका पेस्ट होता चला जाएगा 10 लाइन। आप कंट्रोल वी दबाते रहें, जिससे कि आपकी लाइन आ जाएगी। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फॉन्ट नेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉन्ट नेम का उपयोग आप टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करने के लिए करते हैं। अब आप पहली लाइन के राइटिंग को बदलें और दिखाएं। आइए अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट नेम कैसे करते हैं। फॉन्ट नेम करने के लिए तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आप सभी को वीडियो दिखाया जा रहा है, टाइम्स न्यू रोमन लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे जो छोटा सा एरो है उस पर क्लिक करें, जैसे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप अपने पसंद से कोई सा भी राइटिंग सेलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक कर दें। अगर आपको यह राइटिंग अच्छा नहीं लगता है, तो फिर से दोबारा से आप वहाँ पे जाएं और कोई और राइटिंग के चेंज करने का फॉर्मेट लें और उसे सेलेक्ट करें, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट के राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉन्ट साइज का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज का उपयोग आप टेक्स्ट के राइटिंग के साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए करते हैं। अब आप दूसरी लाइन का राइटिंग 16 से कोई भी साइज को सेलेक्ट करके दिखाएं।
सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट या टेक्स्ट के साइज को बढ़ाते या कम कैसे करते हैं। आप दिखाए जा रहे हैं वीडियो की तरह, आप अपनी लाइन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग बार के अंदर फॉन्ट साइज लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और इस छोटे से ड्रॉपडाउन ऑप्शन पर पॉइंटर को रखें और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। जैसे कि एक बॉक्स होगा ओपन, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर होंगे। अगर बढ़ते हुए नंबर में लेके जाएंगे तो आपके टेक्स्ट के राइटिंग का साइज बढ़ जाएगा, और घटते हुए क्रम में रखेंगे तो उससे आपके टेक्स्ट का राइटिंग कम हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बोल्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? बोल्ड का उपयोग आप अपने टेक्स्ट के राइटिंग को गहरा यानी कि बोल्ड करने के लिए करते हैं। अब आप तीसरी लाइन को बोल्ड करके दिखाएं और बताएं बोल्ड की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और बोल्ड करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हम लाइन को बोल्ड कैसे करते हैं। बोल्ड करने के लिए आप अपने लाइन को सेलेक्ट करें जिस लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड दो तरीके से कर सकते हैं, पहला शॉर्टकट कमांड और दूसरा फॉर्मेटिंग बार के ऑप्शन से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आप या तो शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर लें या फॉर्मेटिंग बार के अंदर बी लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जैसे कि आपका यह लाइन बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इटैलिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? इटैलिक का उपयोग आप अपने टेक्स्ट के राइटिंग को तिरछा करने के लिए करते हैं। अब आप फोर्थ लाइन को इटैलिक करके दिखाएं। सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इटैलिक कैसे करते हैं। आप सभी अपने लाइन को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार के अंदर आई लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए और यहाँ पे अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक से आप अपने लाइन या टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं अंडरलाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? अंडरलाइन का उपयोग आप अपने टेक्स्ट की राइटिंग के नीचे लाइन लाने के लिए करते हैं। अब आप फिफ्थ लाइन को अंडरलाइन करके दिखाएं, यानी कि पांचवी लाइन को अंडरलाइन करके दिखाएं। अब आप सभी सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आप अपने लाइन को सेलेक्ट करें जिस लाइन पे आपको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद फॉर्मेटिंग बार के अंदर यू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और यहाँ पे अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपके इस लाइन के नीचे लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं अलाइनमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है और यह कितने प्रकार की होती हैं? अलाइनमेंट का उपयोग आप अपने टेक्स्ट के लाइन को सेट करने के लिए करते हैं। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब अगली लाइन को सेंटर अलाइनमेंट करके दिखाएं, उसके बाद
अगली लाइन को राइट अलाइनमेंट करके दिखाएं। अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को लाइन के पहले रखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलाइनमेंट को आप लाइन को बिना सेलेक्ट किए हुए भी कर सकते हैं। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को लाइन के पहले रखें और फिर अपने पॉइंटर को सेंटर अलाइनमेंट पे लाकर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी यह लाइन सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन को अलाइनमेंट करना है। अपने पॉइंटर को लाइन के पहले रखें और फिर पॉइंटर को राइट अलाइनमेंट पर लेकर आएं और क्लिक कर दें, जिससे कि आप राइट अलाइनमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉन्ट कलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉन्ट कलर का उपयोग आप अपने टेक्स्ट को कलर करने के लिए करते हैं। अब आप 8वीं लाइन के टेक्स्ट का कलर बदल कर दिखाएं। अब आप सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट के कलर को चेंज कैसे करते हैं। फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए आप सभी अपने लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर ए लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और यहाँ पर इस छोटे से एरो पर अपने पॉइंटर को रखें और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कलर मौजूद होंगे, इनमें से किसी एक कलर को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉन्ट कलर का उपयोग कर सकते हैं। फॉन्ट कलर से आपके टेक्स्ट के राइटिंग का कलर चेंज हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं हाइलाइटिंग कलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइलाइटिंग कलर का उपयोग आप अपने टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा आप अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट को जहां तक भी टाइप किए होंगे वहां तक उस टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज हो जाता है। अब आप 9th अथवा 9वीं लाइन को हाईलाइट करके दिखाएं। अब आप सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हाइलाइटिंग कलर कैसे करते हैं। आप सभी अपने लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार के अंदर ए बी लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और इस ड्रॉपडाउन ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपका लाइन हाइलाइटिंग कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइलाइटिंग कलर कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बैकग्राउंड कलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैकग्राउंड कलर से आप अपने पैराग्राफ या लाइन के पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप 10th लाइन यानी 10वीं लाइन का बैकग्राउंड कलर बदल कर दिखाएं। सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को सही करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करते हैं। आप अपने इस लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएं और फिर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें इस छोटे से एरो पे, और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर से कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपके लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी अपने फाइल को अपने नाम और उसके साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट लिखकर उसे डेस्कटॉप पर सेव करें, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट। अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें।
आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए आप अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और सेव पर क्लिक करें। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस एस होता है। एक बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपने फाइल के लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, डाउनलोड्स के अंदर भी, या डॉक्यूमेंट्स, या ड्रैग करके इसे अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। यह एड्रेस बार कहलाता है। क्योंकि आपको इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसलिए आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपने फाइल का नाम देंगे जो कि अभी आपको बताया गया है। आप इस फाइल का नाम अपने नाम के साथ प्रैक्टिकल टेस्ट जोड़कर टाइप करेंगे और फिर सेव लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका यह फाइल सेव हो जाएगा। अब आप इस फाइल को चेक कर सकते हैं कि सेव हुआ या नहीं। अपने पॉइंटर को टाइटल बार के अंदर लेकर आएं और देखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आप सभी इस फाइल को पीडीएफ में भी बनाकर दिखाएं और उसे डेस्कटॉप पर अपने नाम से सेव करें। अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि राइटर के फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फाइल लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप एक्सपोर्ट लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर आएं और क्लिक कर दें, जिससे कि एक और बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप अपने इस फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद सेव लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका यह फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे देखने के लिए कि आपका यह फाइल सेव हुआ या नहीं, मिनिमाइज पे क्लिक करें और अपने डेस्कटॉप पर देखें कि आपका यह पीडीएफ का फाइल है या नहीं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे ओपन करने के लिए आप अपने पॉइंटर को इस पे रखें और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करें, जिससे कि आपका यह फाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक करें और अपने कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस करें। देखिए, कुछ भी टाइप नहीं होगा। इस तरह से हम अपने राइटर की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने फाइल को क्लोज करें और सिस्टम को शटडाउन करें। ध्यान रखें, आपकी फाइल पीडीएफ और राइटर दोनों में सेव होनी चाहिए। अब आप सभी का रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें आपको 20 प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न दिए जाएंगे। यह प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें कि चार ऑप्शन होंगे। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, जिस पर आपको सही का निशान लगाना होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपको राइटर टू मॉड्यूल शुरू होगा, यानी कि राइटर के दूसरे मॉड्यूल आप सीखना शुरू करेंगे, जिसमें आप सभी राइटर के आगे के भाग के बारे में सीखेंगे।